महाराज गंज के रहने वाले हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे हालमार पढ़ते हैं। क्या है पूरा मामला क्या है? जैसे बच्चे RTI के तहत दाखिला हुआ तो उसमें दाखिला तो ले लिया था बच्चे का, अब इस समय है अब फीस के लिए प्रताड़ना करा जाए, बच्चों को बाहर खड़ा कर रहे हैं आके मतलब फीस जमा किस स्कूल का मामला है? ये हालमार बोर्ड स्कूल में है। हालमार के स्कूल का है। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों का एडमिशन हुआ था, उसमें 6 महीने पहले एडमिशन कराया था। 6 महीने पहले एडमिशन किया था। उस समय क्या कर रहे थे लोग? बोले एडमिशन तो कर लिए, इसमें पढ़ाई जब एग्जाम आया है तो कह रहे हैं कि फीस जमा करिए, ऊपर से आदेश हम पर लिखी दीजिए, कोई लिखी नहीं दे रहे हैं। आपने जिला प्रशासन से शिकायत? जिला प्रशासन के पास गए हैं। किसके पास गए थे? डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं, शिक्षा अधिकारी पास दिए हैं। क्या कह रहे हैं लोग? तो कह रहे हैं ठीक है, इसमें कार्रवाई होगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम श्रीनगर महाराजगंज से हैं। क्या मामला है? आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? हालमार्क स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ते हैं। कुछ 6 महीना पहले सितंबर में एडमिशन हुआ था। आज ये बच्चों को बहुत दिक्कत दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको रूम में बंद कर रहे हैं, ऑफिस में बंद कर रहे हैं, ठीक है, और उसको गेट के पास खड़ा कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप पैसा जो है सरकार की तरफ से चाहे कहीं से भी आप इसको मंगवाइए। आपने जिला प्रशासन से बात करी? हमने DM सर के पास लेटर लिखा, BSS सर के पास लिखा, और ये चीज़ वहाँ जाके हम बोले तो कहें कि जहाँ भी आपको कंप्लेंट करना है आप जाके करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से आएंगे, कहाँ रहने वाले हैं? क्या है आपके बच्चे पढ़ते हैं? वार्ड नंबर 55 नगर के। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। राइट टू स्कूल के तरफ आपने एडमिशन कराया था? हाँ। क्या है मामला? मामला ये है कि बच्चों से फीस मांगा जा रहा है। 6 महीना पहले जब एडमिशन हुआ था तब कुछ नहीं कह रहे थे लोग, एडमिशन तो कर लिए, लेकिन अभी समय उसको बाहर खड़ा करना है, अब कह रहे हैं कि फीस लाइए या सरकार से दिलाइए, चाहे आप खुद दीजिए फीस, फीस देंगे तभी आपका बच्चा पढ़ेगा। आपने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से किया था? हाँ, DM साहब के DM सर के पास हम लोग पत्र बोले DM साहब, तो कह रहे हैं कि जिसे मतलब कुछ बोले नहीं है, हम लोग पत्र लिखे हैं, आप देखिए। जैसे से मिले थे? हाँ, किसी से भी मिले हैं। क्या बोले? अब पत्र दिए हम लोग, अब कुछ बोले नहीं हैं, वही कह रहे हैं कि